ये दोनों कंडीशन बता रही हैं बी जीरो होगा। इसी तरीके से इफ बी इज पैरेलल टू ए देन बी इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर एरिया वेक्टर के पैरेलल है तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और अगर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, क्लियर। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज ऑब्टेंड बाय टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, इट मे बी फाइ बी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा यहाँ पे, ठीक है ना, पॉजिटिव कब होगा जब थीटा जीरो के बराबर या उससे बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, जब थीटा 180 के बराबर या उससे बड़ा हो, ठीक है, सॉरी 90 से बड़ा हो और 180 के बराबर या फिर उससे छोटा हो, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको समझ में आ गया। तीसरा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, यही था ना। तो बी का मतलब टेस्ला, तो एसआई यूनिट, बी मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला, ए एरिया है मीटर स्क्वायर एंड कॉस थीटा इज यूनिटलेस, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर, ठीक है। तो एसआई यूनिट वेबर होती है या टेस्ला मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। एमकेएसए यूनिट, एमकेएसए यूनिट, टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, टेस्ला को लिख सकते हैं, ठीक है। और एक मीटर स्क्वायर और आ गया तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर और फिर मीटर, ठीक है, यानी कि न्यूटन मीटर पर एम्पियर। और न्यूटन मीटर का मतलब बेटा क्या हो गया, जूल। न्यूटन मीटर का मतलब क्या हो गया, जूल, ठीक है। तो जूल पर एम्पियर, तो ये भी इसकी एसआई यूनिट, अभी एमके से हटा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ये भी एसआई यूनिट है, जूल पर एम्पियर बोलो, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर बोलो, ये सब इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। अब एमके से यूनिट देख लो, तो विद द हेल्प ऑफ जूल यू कैन ऑब्टेन द एमके से यूनिट, है ना। तो एमके से यूनिट जूल के लिए जो हम लिखते हैं वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, और फिर पर एम्पियर लिखा हुआ है तो ये पर एम्पियर हो गया, तो ये इसकी एमके से यूनिट बन गई, ठीक है। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, ये लीजिए, ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, करेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है ना,